लिए मैं लाई हूँ एकदम मजेदार अपना किचन। दोस्तों आप लोगों को मैं अपने किचन में मतलब ऐसे ही घुमाऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी कौन कौन लेके आया है। तो दोस्तों ये सिलवट्टा कितना प्यारा लग रहा है, ये मेरे लिए लेके आए हैं बड़े पापा। दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। और ये है, ये मेरा लकड़ी का टोर। दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा लिख के। दोस्तों ये मेरी मम्मी ने चूल्हा बनाया है नवरात्रि के दिन। और ये मेरी बड़ी मम्मी ने बहुत प्यारा सा छोटा सा बनाई है। ये मेरी मम्मी बहुत प्यारा सा बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ये छोटा सा कढ़ाई, ये मिट्टी का है, जैसे दिया बनता है वैसा है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ पे दिया, ये दो चम्मच एकदम प्यारे प्यारे लग रहे हैं बहुत छोटे से। और हम मेरे किचन में छोटे से में मेरे बटरफ्लाई आते हैं, और ऐसे इतनी छोटी छोटी मेरे जैसे चिड़िया आती हैं मुझसे, मतलब ऐसे ही आती है, बोलती हैं कि गोल्डी तुम क्या बना रही हो, तुम मुझे भी देना। तो दोस्तों आप लोगों को आगे चीज़ें बताती हूँ। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कुकर है, जब देख सकते हैं कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा है। इसमें हम आपको इसमें दाल भात जरूर बना के दिखाएंगे। और दोस्तों ये हम अपने किचन में सब कुछ रखते हैं। तो ये दोस्तों ये इसमें मेरी मम्मी दाल बनाती थी, तो मेरी मम्मी ने बोला तू इसमें अपना खाना बनाना। एक बड़ा सा लेके आई है मम्मी अपने लिए, ये बोली कि बेटा तू लेके जा इसमें खाना बनाना। तो दोस्तों ये छोटा सा जग आप लोग देख सकते हैं, ये जग है। और ये है दूध, आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन में सब कुछ है, दूध और ये रिफाइंड तेल और ये चावल आटा चीनी, यहाँ पे मसाले का वो जो इसमें रखते हैं मसाला। और यहाँ पे कितना देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये सर्व करने के लिए प्लेट, ये खाने के लिए प्लेट। दोस्तों आप लोग कैसा लगा बताइएगा। और ये कितने छोटे छोटे पानी का कप, और ये बेलना चौकी, और यहाँ पे ये है तवा है। यहाँ पे आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना अच्छा अपना सजाया है। ये बत्तख है, ये तोता है, ये मैंगो है। तो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कितना छोटा सा बाल्टी है, आप लोग कैसा, बहुत छोटा सा है, इसमें मैं ही खाना बनाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलवट्टा भी है, सब कुछ है मेरा। ये भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग को कैसा लगा ये कढ़ाई रहा, आपको कढ़ाई नहीं बताई होंगी, ये रहा कढ़ाई, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा चीज़ मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा लेके आए हैं लोग। ये बड़ी मम्मी मेरा किचन सेट लेके आई हैं दिल्ली से। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा किचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों एक काजल आंटी ने बोला था कि बेटा गोल्डी बेटा अपना किचन सेट मुझे दे दो, तो मैं अपना किचन सेट उनको गिफ्ट करने के लिए दे दी हूँ। तो काजल आंटी आप लोग एक माह मेरा घर है तो यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा जरूर। दोस्तों काजल आंटी बोली थी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा गोल्डी बेटा तुम्हारा किचन। तो मैं बोली काजल आंटी से मैं बोलूँगी ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग आके एक दिन के लिए मेरा किचन सेट ले जा सकती हैं, उसमें खाना बना के मुझे जल्दी वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं मुझे किचन सेट बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत, मैं इसलिए मैं किसी को दे नहीं सकती। तो दोस्तों आप काजल आंटी रिक्वेस्ट करिए कि मुझको दे दो बेटा, मैं इसमें खाना एक दिन बना के दे दूँगी। तो मैं बोली ठीक है काजल आंटी आपको दे दूँगी, एक माह में ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों मैं और भैया वीडियो बना रहे हैं, तो अभी दोपहर का समय है, तो यहाँ पे मैं घर से बाहर कोरोना में कभी नहीं जाती, तो यहाँ पे हमारा एक गार्डन है तो सब कोई अंदर सोया है, तो हम लोग यहीं पर आके छाया में अपना वीडियो बना रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इस चूल्हे पे मैं क्या बनाऊँ, हर चीज़ क्या क्या बनाओ कमेंट से जरूर बताइएगा। और इसमें भी हम क्या बनाए छोटे से प्यारे से, ये भी बताइएगा हम क्या बनाए कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों मुझको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी बोलती है कि अभी बड़ा चूल्हा है, तुम मत बनाना, अब 2-3 साल की हो जाऊंगी मैं, 2-3 साल और बड़ी हो जाऊंगी। तो दोस्तों मैं 9 साल की हूँ, तो मेरी मम्मी बोली कि 10, 11, 12 साल की हो जाएगी तो तू उस पर खाना बनाना, मैं खेत में जाके काम करूँगी। तो मैं बोली ठीक है मम्मी, अब 2-3 साल रुकना ही पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ कि जब किसी का शौक करता है बनाने का खाना, तो जब बड़े होते तो बनाने का खाना मन ही नहीं करता, जब छोटे में रहते हैं तो खाने बनाने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों ऐसे मेरी दोस्त है जिनका भी छोटे में, जब मैं 6 साल के थे तो हम लोग को खाना बहुत बनाने का मन कर रहा था, जब बड़े हुए तो आदत छूट गया, बोलते हैं हम नहीं खाना बनाएंगे। तो दोस्तों यही होता है, जब छोटे में बहुत खाना बनाने में मज़ा आता है तो बड़े में भी मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे तो हमेशा मज़ा आता है चूल्हे पे बनाने में। तो दोस्तों आप लोगों को कितना मज़ा आता है कमेंट में से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं मम्मी का सारा कमेंट पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। तो दोस्तों मुझे इंग्लिश भी पढ़ने आता है, तो दोस्तों मैं इस साल सेकेंड भी आई थी, अब देखती हूँ 4th क्लास में, मैं 3rd क्लास में थी, 4th क्लास में जाऊँगी। तो अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद है, इसलिए हम ऐसे ही मोबाइल में काम बनाते हैं। तो दोस्तों मैं अपने जल्दी किचन सेट रख लेती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी डांटेंगी। दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय।